लेके आई हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है जो सिंगल तार की होती है, और मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फंदे लिए हैं वो 6 के मल्टीपल लिए हैं। जैसे पहले 6 गिनिएगा, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, 6 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे। तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट होके आएगा। इस डिजाइन को आप लेडीज के, गर्ल्स के, जेंट्स के, बेबी के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इजी डिजाइन है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो डिजाइन की फर्स्ट रो है, तो देखिए कैसे बुनेंगे। फर्स्ट रो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा एच स्टिच है, इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे। कोई भी बॉर्डर आप बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप उल्टी तरफ से यानी रोंग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि सीधी तरफ से डिजाइन बनना शुरू होगा। तो देखिए एच स्टिच, 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा अपनी तरफ, फिर से 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा पीछे। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप ऐसे ही डालिएगा, 6 उल्टे, 6 सीधे, 6 उल्टे, 6 सीधे, लास्ट में एच स्टिच फंदा है इसको आप सीधा बना लीजिए। फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ, रोंग साइड, सेकंड रो। तो यहाँ से देखिए एच स्टिच फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे। अब देखिए पूरी सिलाई को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में, इस डिजाइन में रोंग साइड से जितनी भी सिलाइयाँ बनेंगी वो हमारी उल्टी उल्टी बन के तैयार होंगे इस तरह से। बहुत ही ईजी डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है उल्टा सीधा, वो भी इस डिजाइन को बना लेंगे। तो देखिए डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई इस तरह से, 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, रोंग साइड से पूरी सिलाई उल्टी। अब इन 2 सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। तीसरी सिलाई को फर्स्ट सिलाई की तरह है और चौथी सिलाई को दूसरी की तरह। तो फिर से 6 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, धागा पीछे, फिर से 6 फंदे सीधे, सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह ही ये 2 सिलाइयाँ बुन लीजिए। 4 सिलाइयाँ बन गई हैं। पांचवी सिलाई में ध्यान दीजिएगा किस तरह से डिजाइन डालेंगे। तो फर्स्ट फंदा एच स्टिच है, सीधा बुनेंगे। अब जो ये 6 फंदे हैं इसमें से स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2। अब जो ये बीच के 2 फंदे हैं इनमें डिजाइन डालेंगे। तो 1 फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे इसके ऊपर से, लूज रखेंगे, फिर से 1 फंदा बुन लेंगे। तो 1 फंदे से हमने 3 फंदे बुने, इस पर भी 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, थोड़ा सा धागा लूज रखेंगे ऐसे। अब ये 2 फंदे सीधे, तो देखिए एच स्टिच फंदा सीधा, 6 फंदे थे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे ये हैं जो इनमें 1 फंदे से 3-3 बनाए, फिर 2 सीधे, धागा पीछे ही रखेंगे, बीच के 6 फंदे फिर से सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए अब फिर से 5 फंदे हैं, इसमें 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और सेंटर के जो ये 2 फंदे हैं इनमें डिजाइन डालेंगे। 1 फंदा बनाया, इसको लूज रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से बनाएंगे। तो 1 फंदे से 3 फंदे बन गए, फिर से 1 फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से 1 फंदा बुनेंगे। तो 1 से 3 बनाए, फिर से देखिए 2 फंदे ये सीधे।
एच स्टिच फंदा सीधा। तो डिजाइन की पांचवी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए छठी सिलाई उल्टी तरफ। तो अब देखिए छठी सिलाई को पूरी को उल्टा ही बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये फंदा उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा। अब जो ये एक फंदे से हमने तीन फंदे बुने थे, इनको स्लिप करेंगे ऐसे, फिर से एक से तीन बनाए थे स्लिप करेंगे। अब फिर आगे के फंदे उल्टे। तो डिजाइन की ये हमारी छठी सिलाई है, बीच के फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। जो फंदे एक से तीन बुने हैं उन फंदों को स्लिप करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसको स्लिप करेंगे, फिर से एक से तीन बुने इनको स्लिप करेंगे, लास्ट के तीन फंदे उल्टे। तो डिजाइन की छह सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सातवीं सिलाई सीधी तरफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जो ये फंदे हैं हमारे टोटल छह, दो सीधे, दो ये एक से तीन बुने, दो फिर सीधे। जो ये एक से तीन फंदे हैं इनको आगे लेके आएंगे, आगे के ये दो फंदे अंदर करेंगे। तो देखिए किस तरह से ट्विस्ट करेंगे। पहला फंदा सीधा, अब देखिए इन तीन फंदों में ऐसे यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह डाल के इनको लूज करेंगे। और जो ये फंदे हैं दो, इनको निकाल लेंगे, इसको निकाल के इस सिलाई में ऐसे डाल लेंगे। अब इनको वापस इसी सिलाई में डाल के, और ये तीन फंदे हैं इनका सीधा, दो फंदे ये अंदर किए हैं इनको भी सीधा ही बुनेंगे। तो इस तरह से ये फंदे हमारे चेंज हो गए। अब ये एक से तीन वाला है, दो फंदे सीधे हैं, तो सीधे फंदे अंदर करेंगे, इसको बाहर करेंगे। तो पीछे से सिलाई डालेंगे इन दो फंदों में ऐसे, और इन तीन को निकाल लेंगे ऐसे। इन तीन फंदों को वापस इसी सिलाई में डाल के और इस तरह से डालेंगे और इनको सीधा बुनेंगे। ये दो फंदे सीधे, जो ये एक से तीन है इसको भी ऐसे सिलाई डाल लेंगे और तीनों में सिलाई डाल के तीन का एक सीधा बुन लेंगे ऐसे। इस तरह से फंदे चेंज हो गए। अब बीच के छह फंदे फिर सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब फिर से इन फंदों को चेंज करेंगे, एक से तीन वाला बाहर करेंगे, इनको अंदर की तरफ। तो इनमें सिलाई डाल लेंगे यहाँ तीन फंदों में, और ये जो दो फंदे हैं इनको निकाल के ऐसे पकड़ लेंगे और इस तरह से इस सिलाई में डाल लेंगे ऐसे। इनको आगे की तरफ ले आएंगे और तीन का एक बुनेंगे ऐसे। अब ये दो फंदे भी सीधे, अब ये तीन का एक है, एक से तीन है, इसको बाहर करेंगे, दो फंदे अंदर की तरफ। तो यहाँ से सिलाई डाल लेंगे दो फंदों में, तीन निकाल लेंगे, तीन को फिर वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे और ये दो फंदे अंदर की तरफ कर लेंगे सीधा। सीधा अब ये एक से तीन बुने थे, इनमें भी सिलाई डाल के सीधा बना लेंगे। लास्ट का फंदा स्टिच सीधा। तो सात सिलाइयाँ बन गई, आठवीं सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए आठवीं सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो ये आठ सिलाइयों का डिजाइन है। फिर से इस डिजाइन को बनाएंगे तो इसकी जगह चेंज करेंगे। जो ये डिजाइन फ्लावर यहाँ पे डाला है ये सेंटर में डलेगा, जो छह फंदे सीधे इनके ऊपर। तो मैं एक बार आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ, फिर आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सीधा, अब देखिए जो ये फंदे छह फंदे फ्लावर के हैं, इन छह फंदों को अब हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे, क्योंकि डिजाइन की जगह को चेंज करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, धागा अपनी तरफ। अब जो बीच के छह फंदे सीधे हैं इन पे फ्लावर बनेगा, तो ये छह फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे, फिर से छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, एच स्टिच में सीधा। इस तरह जो ये फ्लावर यहाँ पे है ये सेंटर में आ जाएगा, सिर्फ बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो आठ सिलाइयों का डिजाइन था,
जब इन 8-8 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फ्लावर वाला डिजाइन बन जाएगा। 8 सिलाई बनाएंगे तो यहाँ पे फ्लावर आएगा, फिर डिजाइन चेंज करेंगे सेंटर में आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से सेंटर में आएगा। इसी तरह से बुनते हुए इस प्रोजेक्ट को हम बुन लेंगे तो बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बनेगा। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।